बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। नगर पालिका के द्वारा सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की नवीन प्रतिमा का अनावरण। अनावरण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सोमवार को सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। यह आयोजन नगर पालिका के द्वारा किया गया। इस आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, समाज सेवी कांति भाई साहब, पूर्व विधायक निशान जैन, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सक्सेना, सौदान सिंह यादव, गोविंद नायक कांग्रेस पार्षद, व्यापारी, स्थानीय नागरिक शामिल रहे। यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वही नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में बताया कि शहर में अभी और भी चौक चौराहों पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें ईदगाह रोड पर अब्दुल कलाम, कर्मा देवी चौक पर कर्मा देवी जी की प्रतिमा, त्योदा रोड पर हेमू जी की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस कर्ताओं ने इस आयोजन का बहिष्कार कर दिया। जब भाजपा नेता ने भाषण में नेहरू जी और गांधी जी के बारे में बात की, इतना सुनकर पूर्व विधायक निशांग जैन, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, विकास शर्मा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष जगदीश व्यास, सौदान सिंह यादव कांग्रेस पार्षद सहित अन्य कार्यकर्ता उद्बोधन के दौरान आपत्ति जताई और कार्यक्रम छोड़कर वहीं से चले गए। वहीं नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक निशांग जैन ने कहा कि आयोजन नगर पालिका का था, उसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष से संचालन नहीं करवाना चाहिए था, मंच की गरिमा का सम्मान होना चाहिए था। भाजपा नेता के भाषण में नेहरू जी और गांधी जी का विरोध किया गया, इसलिए हमने और कांग्रेस नेताओं ने आज बहिष्कार किया है। आगे भी इसी प्रकार के आयोजन में हम भी जवाब देंगे। सोमवार को सुभाष चौक पर नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव ने समाज सेवी कांति भाई साहब एवं पत्रकार और स्थानीय नागरिकों के बीच सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते नगर पालिका ने उस प्रतिमा को 3 महीने के अंदर लगवाने का आश्वासन लोगों को दिया और जिसके चलते आज नगर पालिका ने रोटरी बनाकर प्रतिमा स्थापित की और आगे भी कई प्रतिमा चौक चौराहों पर स्थापित की जाएंगी और रोड का नामकरण, गलियों का नामकरण किया जाएगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि व्यवस्थित ढंग से काम होगा। भित्सा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। आज नगर पालिका परिषद ने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा था। निश्चित तौर पर सुभाष चंद्र बोस साहब एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कार्यक्रम नगर पालिका परिषद का था। वो परिषद सभी पार्षदों के से मिलके बनी है और उसमें कांग्रेस के पार्षद भी थे, मैं स्वयं था और भाजपा के लोग भी उसमें थे। मगर जब भाजपा के नेता भाषण देने खड़े हुए तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के मामले में और तो और जिसने बोला वो तो नाथूराम गोडसे का समर्थक है, जो गांधी जी पे आरोप लगा सकते हैं। इससे समझ में आता है कि भाजपा का असली चरित्र क्या है। और जब वो बात उन्होंने कही गांधी जी के विरोध में, जवाहरलाल नेहरू जी के विरोध में, तो मेरे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वय और साथ में कांग्रेस के पूरे पार्षद उठ के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और हमने कहा कि गांधी जी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और कांग्रेस नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। आपके चैनल के माध्यम से नगरपालिका से कहना है कि पहली बात तो जब कार्यक्रम नगरपालिका का था या नगरपालिका का है तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष से आपको संचालन नहीं कराना चाहिए और वक्ताओं से पहले बोला जाना चाहिए कि मंची परंपरा का और मर्यादा का ध्यान रखें
उन्हें जो भी आरोप लगाना है वह उनकी जब पार्टी की मीटिंग हो उसमें लगाएं, नहीं तो यदि आगे किसी कार्यक्रम में ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर उसी भाषा में हम भी अपने उद्बोधन में वह बात करेंगे। और हमें इस मूर्ति का अनावरण 23 तारीख को करना था, किंतु किसी कारणवश नहीं आ पाई प्रतिमा, तो उसका अनावरण उनके जन्म दिवस के पर नहीं कर पाए हम। तो हमने सोचा कि आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है और दोनों कार्यक्रम हम सब मिलकर एक साथ मनाते हैं, तो आज हम कर पाए इसका खुशी है। इस बात की मंच से कांग्रेस पार्टी सहयोग करने की बात कर रही थी और एक नंबर उठकर चली गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सहयोग कर रही है और करती रहेगी ना। यहाँ कांग्रेस पार्टी का चुपकी कुछ शब्द हो जाते हैं जो उनको व्यथित कर देते हैं, तो हमें ज्यादा हमने इस बात को वो नहीं लिया। ठीक है, उनको जाना भी था। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हम सब गंजवासुदा में तो कम से कम समन्वय बनाकर हर कार्य में हम एक साथ मिलकर कर रहे हैं और कोई हमें ना उनसे कोई ऑब्जेक्शन है ना उन्हें हमसे, क्योंकि उन्होंने ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने हमारी तारीफ ऐसे कर दी कि जल्दी लगवा दी, तो भैया हमको लगवाना भी था और ये हमारा दायित्व बनता है, तो हमने अपना कार्य किया और ये उनका बड़ा दिल है कि उन्होंने हमें धन्यवाद दिया और हम भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रत्येक कार्य में वो हमारा सहयोग करते रहे। आगे भी अब चौक चौराहों पर भी प्रतिमाएं स्थापित होंगी? हाँ जी, प्रतिमाएं 2-3 प्रतिमाओं का हमारे पास जो आया है अपील की उन्होंने, तो हम शीघ्र अति शीघ्र अल्पसंख्यक मोर्चा से भी हमें ये कहा गया था, तो हमने अब्दुल कलाम जी की प्रतिमा ईदगाह रोड पर हमें लगाना है और चूंकि वहाँ का जो रोड है हम सोच रहे हैं रोड अच्छा हो जाएगा और प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। कर्मा देवी चौराहे पर वहाँ भी हम प्रतिमा लगाएंगे और 2-3 और जो हमारे त्योंदा रोड है उस पर भी हेमू जी की जो नाम पर रोड का नामांकन करना वह भी हमने स्वीकार किया है और जल्दी ही करेंगे।